मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील क्षेत्र के गांव विशाखपुर में रिमझिम बारिश में विगत 7 दिनों से खुशीराम जी शात्रे के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का भक्तगण धर्म लाभ ले रहे थे, जिसका कि आज झमाझम बारिश में समापन हुआ। विशाखपुर व क्षेत्र के भक्तगणों ने बताया कि ये भागवत कथा विगत 7 दिनों से चल रही थी, जिसका किस गांव के अलावा आसपास के गांवों से आए हुए भक्तगणों ने भरपूर धर्म लाभ लिया और आज भागवत कथा के अंतिम दिन महाप्रसादी के साथ इसका समापन हुआ। विशाखपुर में भागवत कथा का समापन हुआ। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो इस भागवत कथा के बारे में? कलयुग में भागवत आम धेनु है। कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए उद्धव जी ने भगवान से उपाय पूछा है। भगवान ने कहा है, हे उद्धव, आगामी कलयुग में मैं भागवत में बैठ करके कलयुग के जीवों का उद्धार करता रहूंगा। जहाँ जहाँ मेरी भागवत होगी वहाँ वहाँ मैं नित्य निवास करूँगा। प्रणाम करने से, दर्शन करने से और परिक्रमा करने से जीवों के कल्याण को करता रहूँगा। भगवान ने उद्धव को वादा किया है। इस इशाकपुर गांव में 100 वर्ष से भी अधिक हो गया है भागवत कथा होते होते। कई विद्वानों के द्वारा यहाँ कथा चलती रहती होती रहती है। बोलो भागवत भगवान की जय। कितने वर्षों से आप इशाकपुर में भागवत कथा का? करीब 25 वर्ष से मैं इस इशाकपुर में कथा लगातार हर वर्ष कर रहा हूँ और लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। कहाँ के निवासी हो? क्या नाम? धाम वृंदावन में आचार्य खुशीराम जी महाराज प्रतिवर्ष इस मालवा क्षेत्र में आकर के करीब 20-25 गांवों में भागवत कथा सुनाया।